नगर निगम के अंतर्गत होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन शुक्रवार को कर दिया गया, जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस एवं उप निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि नगर निगम के दायरे में 10 लाख मतदाता तथा पूरे जनपद में 13 लाख मतदाता की सूची जारी की गई है। 1,30,000 से अधिक नए मतदाता नगर निगम व पंचायतों को मिलाकर बने हैं तथा निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है। जनपद में 1 नगर निगम तथा 11 नगर पंचायतें हैं। उन्होंने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर कर्मचारियों का डाटाबेस तथा रूट चार्ट तैयार कर लिया गया है। इसी रूट चार्ट का निरीक्षण कराया जा रहा है। कम से कम सुविधा जहां है वहां सुविधाओं का ध्यान रखते हुए उसे दुरुस्त कराया जा रहा है, ताकि आने वाले चुनाव में किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना किसी को ना करना पड़े। जो भी राज्य आयोग के निर्देश है उसे पूरा किया जा रहा है। निर्वाचक नामावलियों की सूची पार्टियों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही आम जनमानस या अन्य लोगों को निर्वाचक नामावलियों की सूची की अगर आवश्यकता है तो वह NIC बिल्डिंग में जाकर निर्धारित शुल्क देकर प्राप्त कर सकते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस एवं उप निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने कहा। नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह एडीएम फाइनेंस और डिप्टी डीओ लोकल बॉडी जो चुनाव है उसका डिप्टी डीओ हूँ। आज मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है। नगर निगम और हमारे यहाँ 11 नगर पंचायतें हैं। नगर निगम में लगभग 10 लाख से अधिक वोटर बन गए हैं और नगर पंचायतों को मिला दें तो पूरे जनपद में 13 लाख से अधिक वोटर हैं। नगर निगम में पहले हमारे 804 बूथ थे, अभी कुछ बूथ बढ़ गए हैं। कोई भी व्यक्ति जो चुनाव लड़ने का इच्छुक है या कोई भी अन्य व्यक्ति जो मतदाता सूची चाहता है, वो किसी भी दिन जो जिला निर्वाचन कार्यालय है स्थानीय निकाय का, वहाँ जा कर के और 1 रुपये प्रति पेज के हिसाब से धनराशि जमा करके मतदाता सूची ले सकता है। 1 वार्ड के ले सकता है, 1 नगर पंचायत के ले सकता है या पूरे नगर निगम के ले सकता है। सर, नए वोटर भी बने? नए वोटर्स बने हैं, लगभग 1.5 लाख से अधिक पूरे जनपद में नए वोटर्स बने हैं जो अभी 18 वर्ष के हो गए थे। सर, आगे क्या आदेश आने वाले? आगे अभी जैसा कि माननीय राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश प्राप्त हुए हैं, हम लोगों ने जिन लोगों को आगे चुनाव कराना था उनका जनपद स्तर पर डेटाबेस तैयार हो गया है, रूट चार्ट तैयार कराया जा रहा है। जो बूथ हैं उनका निरीक्षण करा करके उनको अगर कहीं पर कोई कमी है मिनिमम फैसिलिटीज़ में उनको पूरा किया जा रहा है। सर, जो अभी तक प्रार्थना पत्र जमा नहीं किया उनके लिए क्या करना चाहिए? जिन्होंने प्रार्थना पत्र नहीं जमा किया है उनके लिए स्कोप अभी तो नहीं है फिलहाल, और वे अब प्रतीक्षा करें अभी।